दस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। मुसीबत है मुमताज। नहीं मुझे नहीं मालूम मुमताज को क्या मुसीबत है इश्फाक। अरे मुमताज तुम हो यार। जुबेद आज खाने के बाद वो करना भूल गई। टूथब्रश करना। अरे तो जाओ ना अभी कर लो। नहीं नहीं वो जो टूथब्रश से पहले करते हैं। मुंह धोना। मुंह तो मैं दो दिन छोड़ के धोती हूँ। बड़ा महंगा मेकअप इस्तेमाल करती हूँ ना इस वास्ते। अरे तो फिर क्या भूल गई हो मोमो। सो जाओ खुदा के लिए। इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं। वो और मैं समुंदर के किनारे हाथ पकड़ कर वॉक कर। हाँ, 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 वाक, वाक, मैं वॉक करना भूल गई। चले ना मेरे साथ वॉक पे। अरे तो सो जाओ ना ख्वाब में वॉक कर लेना तुम भी। ओए ये आप किस प्राई औरत के साथ वॉक कर रहे थे अमजद? महमूद। अच्छा तब महमूद की बीवी के साथ तू वॉक कर रहा था बेहया। मेरी माँ महमूद मैं हूँ और तुम मेरी बीवी हो। नहीं अभी तो आप कह रहे थे कि मैं आपकी माँ हूँ। मुझे माफ कर दो। चले ना वहाँ करने चले ना मेरे साथ। अच्छा अच्छा चलो चलो तुम चलो मैं आता हूँ। ओके आप आ जाए। हाँ चलो 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 आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा कोई जाए जाए चलता जा। चलता जा कोई आए जाए चलता जा। चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं मुझसे माजी दिखाई नहीं दे रही। भाई जाहिर है वो यहाँ है ही नहीं तो दिखाई कैसे देगी। मेरा मतलब है नाश्ते पे क्यों नहीं आई वो? वो सो रही है भाई। रात काफी देर तक ना बाहर वॉक करती रही है। थक गई होगी। मैं मुझसे आपको शर्म आनी चाहिए यार। आपने मेरी माँ को अकेले वॉक करने के लिए भेज दिया। अरे भाई घर के अंदर वॉक कर रही थी वो घर के बाहर थोड़ा थी। और कोई बच्ची नहीं है तुम्हारी माँ? यार मैं मूसा इतने गैर जिम्मेदार आदमी होते जा रहे हैं आप। अगर मेरी हट गई ना तो बाप बदल दूंगा मैं। अपने बारे में क्या ख्याल है नबील? जानू मुझसे ज्यादा तो कोई जिम्मेदार ही नहीं है पूरी दुनिया में भाई। देखो कितनी जिम्मेदारी से मैं अपना टाइम पास करता हूँ। 4 घंटे से ज्यादा किसी एक जगह नहीं सोता। कभी बेड पे 4 घंटे सोता हूँ फिर सोफे पे आ जाता हूँ फिर मैं बैठा बैठा जो है वो कुर्सी पे 4 घंटे के लिए सो जाता हूँ। जानू मैंने पूरी एक रूटीन बनाई हुई अपनी जिंदगी की। जो तुमने अपनी जिंदगी की बनाई हुई है ये रूटीन है? हाँ जी। मैं देख कर आती हूँ कहीं ये ना हो कि माँ जी की तबीयत खराब हो गई हो। हाँ जानू प्लीज माँ जी के बगैर ना मेरे हलक से पानी नहीं उतरता। अरे तो ये क्या है? ओ यार ये तो पराठा है भाई। मैं पानी की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं उतरता। आप जरा थोड़ा हल्का हाथ रखें थोड़ा डाइटिंग करें। माँ जी आपका सब नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रही हैं? कौन माँ जी? माँ जी आप किसी फैंसी ड्रेस शो में जा रही हैं? माँ जी आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? ऐसे? माँ जी आप मुझे मार क्यों रही हैं? ओ पापन मैं तेरी माता जी कैसे हो सकती हूँ? मेरा तो अभी तक विवाह नहीं हुआ। तू मेरी पवित्रता पे प्रश्न उठा रही है। ये सिंदूर तो मैंने किसी के प्रेम में अब तक लगा रखा है। वैसे तो मैं अभी तक कन्या कुमारी। माँ जी लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दिल की नैया पार लग जाए बस बाकी सब मंगल कुशल। माँ जी आज मंगल नहीं इतवार है। अगर एक बार भी तूने मुझे माँ जी कहा ना तो ऐसा दंड दूंगी कि जन्मों तक मुक्ति नहीं मिलेगी तुझे। माँ जी ओ यार मैं मुसा मुंह को सेंसर लगवाए यार। गरम थी यार। माँ जी को कुछ हो गया नबील? अरे बड़े इतने खातून थी तुम्हारी माँ नबील। पता पता अभी रात ही ना मुझे दूसरी शादी की वसीयत कर रही थी। तो तुम्हारी जान की कसम नबील झूठ नहीं बोल रहा। वो मरी नहीं है महमूद साहब। सुना आपने महमूद साहब वो मरी नहीं है।
जानू क्या हुआ, जल्दी से बताओ प्लीज। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे हैं नबील। थप्पड़? जानू अगर यही थप्पड़ उन्होंने सालों पहले मारे होते तो आज तुम मुझ पर ये जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़ रही होती। शट अप नबील। ओके जानू। वो अपने आप को रूपा देवी कह रही है। जाहिर है यार, अब वो सिरी देवी कहने से तो रही अपने आप को। महमूद साहब, माजी अपने हवासों में नहीं है। अरे वो पहले कौन सा अपने हवासों में रहती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ऐसे नहीं मोमो का करेक्टर हिट हो गया। लेकिन वो मोमो नहीं, रूपा देवी बनी हुई है। लाल टीका लगा रखा है और साड़ी भी पहनी हुई है। माँ जी को कितनी बार मैंने मना किया कि इंडियन ड्रामे देखना छोड़ दें और जाएं जाकर देखें यार। इंडियन ड्रामे? नहीं यार, माँ जी को जाएं जाकर देखें। छाया ही जा रहा हूँ यार, ये तो नाश्ता खराब करवा दिया। जानू बहुत जोर से तो नहीं पड़ी, क्योंकि माँ जी का हाथ अच्छा खासा भारी है। बहुत जोर से पड़ी है। ओ जानू प्लीज, ओ तुम नाश्ता तो कर लो। बर्फ लेकर आओ, मुझे मुँह पे लगानी है। मोमो क्या कर रही हो तुम भाई, सब नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मोमो ये मुझे मारने वाला मजाक जो है ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे तुम? मैं मोमो नहीं, रूपा देवी हूँ। तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम मोमो हो, मेरी बीवी। अगर मुझे तुझ जैसे विशाल मुंह वाले प्राणी से विवाह करना होता तो मैं राजा इंद्र की प्रतीक्षा नहीं कर रही हूँ। क्या परीक्षी परुक्षी बोल रही हो तुम ममताज? क्यों तेरे कान खराब है, तुझे सुनाई नहीं देता बुढ़े? मुझे राजा इंद्र चाहिए बस। अरे मैं तुम्हारा राजा इंद्र भी हूँ, शाहरुख खान भी हूँ, मोहम्मद अली भी हूँ, अली जफर भी हूँ, सब कुछ हूँ। मैं भी नहीं हूँ राक्षस के मुंह वाले पुरुष। तू मेरे राजा इंद्र नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे क्या हो गया मुमताज तुम्हें, ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो भाई? लगता है तुम रात को ना ठीक तरह से सोई नहीं हो। सालों से राजा इंद्र की कल्पना की है रूपा ने। रूपा सिर्फ और सिर्फ साथ फेरे राजा इंद्र के साथ लेगी। जा 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 के मेरा स्वामी ले आ। स्वामी नहीं, मैं मस्जिद के इमाम साहब को लेके आता हूँ, ताकि दम दुरूद करके तुम्हारा ये भूत जो है ना बाहर निकाले। इसका दम मिलेगा तुझे पापी इंसान, जल्द दफा हो जाए। तू जन्मों तक यूं ही पापी बना रहेगा, दफा हो जाए यहाँ से। राजा इंद्र की सौगंध, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। लग रहा है आपको बहुत ज्यादा चपेटे पड़ी है यार। नबील तुम्हारी माँ पे ना कुछ साया आ गया है। अरे बैकी बैकी बातें कर रही है, कह रही है मुझे राजा इंद्र चाहिए, राजा इंद्र। अरे माँ जी से कहें भाई राजा इंद्र को छोड़े फिलहाल, ये जो उड़ने वाला सांप है ना इसी से गुजारा कर ले। नबील अरे तुम समझ नहीं रहे हो, अरे वाकई उसमें बहुत खतरनाक किस्म का साया आ गया है। हो सकता है जब माँ जी रात को वॉक करने गई हो तब कोई साया आ गया उन पर। हाँ, और वो बसित है कि उसे रूपा देवी कहा जाए। नबील अब तुम जाके उसे समझाओ। मैं पागल हूँ, मैंने लिखा नहीं चपेड़े, मैं तो फौरन मान जाऊंगा कि वो रूपा देवी ही है। किसने लिया हमारा नाम? प्रणाम रूपा देवी, प्रणाम। प्रणाम, तू मुझे पहचान गया? आप रूपा देवी हैं और राजा इंद्र से शादी करना चाहती हैं। नबील क्या बकवास कर रहे हो, तुम भी उनकी आमे आमे ला रहे हो। लगता है तू कुछ ज्ञानी है, नहीं तो ये विशाल मुंह वाला मुझे मोमो मोमो कहता है और ये सीख सलाई सी लड़की मुझे अपनी माता जी बताती है। रूपा देवी ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मेरा ख्याल है इनको चंद चपेड़े और लगा दें। अवश्य। ये चीज। अब तू बता कि हमारा राजा इंद्र कहाँ है? मुझे क्या पता राजा इंद्र कहाँ है? जो तुझे नहीं पता तो तूने हमारा समय क्यों बर्बाद किया? राजा,
खूबसूरत देखा खूबसूरत, ये नबील ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे खाम का मोमो से मार पड़वा दिया यार। मोमो से नहीं, रूपा देवी से महमूद साहब। महमूद साहब खूबसूरत यार, मां ये तो किसी को भी नहीं छोड़ रही यार, उनका कुछ करना पड़ेगा। अब पता चला तुम्हें नबील? आपके काले करतूत मुझे पहले से पता है महमूद साहब। अरे भाई मैं तुम्हारी माँ के अंदर जो साया आया है उसकी बात कर रहा हूँ। कुछ करो नबील, वरना मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी। और मैं भी। आप कहीं नहीं जा सकते महमूद साहब, आपने मेरी माँ की जिम्मेदारी ली, आपको बर्दाश्त करना होगा उन्हें। मैं और खूबसूरत जाएंगे लाहौर। अरे मैं उस रूपा देवी के साथ नहीं रह सकता भाई, उसे तो सिर्फ राजा इंदर की पड़ी हुई है। अरे तो आप कह दे उनको कि आप ही राजा इंदर हैं, आपने प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी। सिंपल। ये कोई हल नहीं है नबील, हमें माँ जी के ऊपर से रूपा देवी की रूह को भगाना होगा। हाँ मैं ना एक बाबे को जानता हूँ, अरे वो बहुत पहुँचे हुए हैं, वो यूं रूह भगा देंगे रूपा देवी की मोमो के ऊपर से, लेकिन वो महंगे हैं थोड़े से। अरे महमूद साहब कैसी बातें कर रहे हैं यार आप, महंगे सस्ते की बात ही नहीं है भाई। आप बुलाएं, मैं अपनी माँ की खातिर पैसा पानी की तरह बहाऊंगा यार, पानी की तरह। अच्छा और कहाँ से आएगा वो पैसा जो तुम पानी की तरह बहाओगे? जानो तुम्हारे पापा जी देंगे, हमारा क्या है? मैं और महमूद साहब तो रूपा देवी की चपेड़े बर्दाश्त कर लेंगे जानू, लेकिन तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा मुंह बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ठीक है बुला लो। अभी बुलाता हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। मैं जी महमूद बात कर रहा हूँ, उस दिन आया था ना आपके पास दूसरी शादी का तावीज लेने। बाबा जी मेरी बीवी पे ना दरअसल रूपा देवी की रूह आ गई है, आप फौरन आ जाए बाबा जी। जी जी मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। अरे उसकी आप फिक्र नहीं करें, एडवांस 50% मिल जाएगा आपको। हैं हाँ हाँ, आप आ जाएं, बस आ जाएं। आ रहे बाबा, आ रहे। अंदर आओ, आ जाओ। कैसे लगा मेरा डांस? ऐसे ही लोग मुझे जैक्सन बाबा कहते हैं। आप हैं बाबा, शुक्र है आप आ गए। बस बस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया, मैं ही देवी का देवता। रूपा देवी को राजा इंदर चाहिए। मैं ही तेरा राजा इंदर हूँ रूपा देवी, तेरा साया हटाने के लिए मुझे बुलाया है। आजा एक काम कर, आजा देवी, आजा मुझ पर। मेरे ऊपर कोई रूपा देवी नहीं आई है, मैं खूबसूरत हूँ। वो तो तुम बेहद। मेरा नाम खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत नाम रखा है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा, और अच्छी बात यह है कि तुम मेंटेन भी कर रही हो। आप अंदर आएंगे? हाँ तो जाऊँ, लेकिन तुम्हारे अब्बा बुरा तो नहीं मानेंगे? मेरे पापा यहाँ नहीं रहते। ये तो कमाल हो गया, फिर तो बाबा जरूर आएंगे। मेरे शौहर अंदर है, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बहुत जल्दी शादी कर ली तुमने, इस एपिसोड तक रुक जाती तो तुम्हारा क्या जाता? आप रूह निकाल लेंगे या नहीं ये बताएं मुझे। तुम्हारे शौहर की तो सिर्फ जान निकालनी होगी, रूह तो खुद ब खुद निकल जाएगी। मैं रूपा देवी की रूह की बात कर रही हूँ जो मेरी सांस में आई हुई है। हाँ वो भी निकालेंगे, चलो अंदर आओ। चले वाह वाह वाह, क्या माहौल बनाया आप लोगों ने। यार आप पापा हैं, ये डांसर हैं। असल में बात यह है कि मैं माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन हूँ, माइकल ने मेरा नाम रखा है जैक्सन बाबा, और आप लोग तो मेरी परफॉर्मेंस देख चुके होंगे, और ये आसेब और रूह निकालने का हमारा खानदानी पेशा है, इसमें भी आपका भाई चैंपियन है। देखिए अगर आपके डांस का शौक पूरा हो गया है ना, तो आप जाके मेरी बीवी में से रूपा देवी की रूह निकालें। बड़ी खतरनाक रूह है, हमने जब भी बात करने की कोशिश की है, अरे थप्पड़ों की बरसात कर देती है वो। जी आप भी जरा संभल के जाइएगा। तुम फिक्र नहीं करो जानू। ओ हेलो, ये मेरी बीवी है जानू, मैं कहूंगा। ओ, अपनी लाइनें बोले स्क्रिप्ट वाली। तुम फिक्र नहीं करो खूबसूरत, मैं रूपा देवी की रूह मिनटों में बाहर कर दूंगा। अरे बचपन से रूहों के साथ खेल खेल कर बड़ा हुआ है जैक्सन बाबा, तुम देखते जाओ मैं यूं गया और यूं आया। कहाँ है रूपा देवी? बाबा जी उस कमरे में है। मुझे तो लगता है दोनों को पढ़ रही है, काफी पढ़ रही है महमूद साहब। या अल्लाह खैर, मुझे लग रहा है रूपा देवी ने बाबा मार देना है आज। अरे
आपकी हालत देख के रग रहे बाबा जी कि आपके साथ भी वही हुआ जो हमारे दादू था। इतना उसे मनाने की कोशिश की, आखिरकार उसने ही मुझे मना लिया। वो क्या मना लिया बाबा जी, कुछ तो बताएं। अरे रूपा देवी से मार खाते खाते उसकी पूरी कहानी सुनकर आया हूँ यार। क्या कहानी? कहानी ये है कि रूपा देवी किसी राजा इंदर से प्यार करती थी और उसने किसी और से शादी कर ली। इसी गम में रूपा देवी ने खुदकुशी कर ली। अब उसकी रूह तुम्हारी सांस के अंदर है, उसे राजा इंदर चाहिए। मैंने डील कर लिए, एक हाथ राजा इंदर देंगे और दूसरे हाथ तुम्हारी माँ को वापस लेंगे। अरे भाई, हम कहाँ से ला के देंगे राजा इंदर, हमें क्या पता कहाँ है वो। उसकी फिक्र मत करो, मैंने अपने मौकिल से उसका एड्रेस निकलवा लिया, उसका पता करवा लिया। ये लो उसका एड्रेस, वो गुरु मंदिर पे रहता। जाओ निकलो जाओ। एक सौ रुपया किराए का तो दो वो यार, बाबा जी से ले लेना यार। भाई कंजूस हो ना, जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ। जब तक राजा अंदर को ये लेकर आता है, तुम मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना के लेकर आओ। मुझे चाय बनाना नहीं आती। डोंट वरी, मैं सिखा दूंगा चाय बनाना। ओ भाई, ओ बाबा, ओ उड़ी बाबा, मैं भी जिंदा हूँ, चाय मैं बना लूंगा। हाँ ये भी ठीक है, तुम जाओ चाय बनाओ, मैं जरा खूबसूरत से थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। ओ भाई, मेरी बीवी मेरे साथ जाएगी चाय बनाने, क्योंकि पानी ये रखेगी, पत्ती मैं डालूंगा, और चीनी ये डालेगी, दूध मैं डालूंगा, कप में ये डालेगी, लेके मैं आऊंगा। आओ जाओ। चलो, मैं ये सोच रहा हूँ कि राजा इंदर कैसा होगा। जरूर कोई बहुत ही हसीन आदमी होगा। बिल्कुल मेरी तरह ना जानू। उसकी खातिर रूपा देवी ने खुदकुशी की थी नबील। और जानू तुम्हें क्या पता कि मेरी खातिर कितनी लड़कियों ने नब्ज काटी है। हो सकता है अगले किसी एपिसोड में कोई रूह तलाश करती मुझे भी आ जाए। तुम कहीं के राजा नहीं हो नबील, तुम्हारे लिए कोई लड़की पागल नहीं हो सकती। क्यों जानू, तुम भी तो पागल थी ना मेरे लिए। हाँ पागल ही हुई थी, इसीलिए शादी कर ली। खुशकिस्मत तरीन लड़की हो दुनिया की तुम, जिसे मैंने शादी की है। वो ना लड़कियां मर रही थी मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें चुना जानू, तुम्हें। काश तुमने किसी और को चुन लिया होता नबील, तो मैं बच जाती। खुदा का वास्ता जानू, बड़ी ही नाशुक्री औरत हो यार। रूपा, रूपा देवी से सीखो, उसका प्यार देखो कितना अमर है। हाँ, क्योंकि वो राजा से प्यार करती है, किसी लंगूर से नहीं। जानू बड़ी बदतमीजी है ये, तुम मुझे लंगूर से मिला रही हो। आज भी अगर मैं चाहूँ तो किसी भी खूबसूरत लड़की से शादी कर सकता हूँ। शट अप नबील। ओके जानू, मैं समझ गया तुम मेरी दूसरी शादी से जल रही हो। बस जानू, यही तो तुम्हारी बात है, यही तो तुम्हारा प्यार है जो मुझे दूसरी शादी नहीं करने देता। चाय बन गई है नबील। जानू तुम एक काम करो, मेरा जो कप है ना चाय वाला, उसमें 3-4 चम्मच चीनी डाल। लो जी बाबा जी, जैसा कि आपने कहा, 6 चम्मच चीनी के साथ चाय हाजिर है, और पीते इंशाल्लाह आपको शुगर हो जानी। मोरे बाबा, तू अभी तक गया नहीं राजा इंदर को ढूंढने के लिए। याद रखो तुम लोग, अगर आज शाम तक अग्नि के साथ फेरे इंदर के साथ मैंने नहीं लिया, तो उसी अग्नि में तुम दोनों को, बल्कि तुम तीनों को भस्म कर दूंगी। आप टेंशन नहीं ले, वो मैं राजा इंदर को लेने के लिए मैंने वो बड़े मुंह वाले आदमी को भेजा है, बस वो उसको लेकर आता ही होगा। आप एक काम करें, ये जो आपने खौफनाक मेकअप किया है ना, इसको थोड़ा सा और खौफनाक कर लें कि राजा इंदर आपको देख के चीखे मार दे, उसकी चीखे निकल जाए। राजा इंदर अपनी रूपा को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं उनकी आने पर ऐसा श्रृंगार करूंगी, ऐसा श्रृंगार करूंगी कि वो बिल्कुल डूब के रह जाएंगे। ए लड़की, चल मुझे जल्दी से दुल्हन की तरह सजा दे। मैं? हाँ हाँ तू, राजा जी के आने से पहले इस देश की सबसे सुंदर कन्या बना दे मुझे। अब मुश्किल है। इसके कहने का मतलब है मुश्किल है, लेकिन ये कर लेगी। अरे जादू क्या कर रही हो, जाओ जब तक मैं मुंह साफ नहीं आते, जाके 10-12 किलो मेकअप करो इनको, वरना चपेड़े पड़ेगी चपेड़े। ठीक है, चले रूपा देवी। कितनी प्यारी है कसम से। कौन? रूपा देवी, तुम्हारी रूपा देवी। तो घर ले जाओ उसको। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया।
के पालन करते हैं। इस बार की देखी जाएगी नबी, वो रूपा देवी पागल हो गई है, बात बात में थप्पड़ मार रही है मुझे। चलो जो काम मैं नहीं कर सका 600 एपिसोड में, चलो किसी ने तो किया। शट अप नबी, महमूद साहब कहाँ है? नबील नबील देखो मैं राजा इंदर को अंदर ले आया। यार बस कर दे, ये पापा बेली पापा कहाँ से उठा लाए? अरे हाँ भाई, यही राजा इंदर है, पूछ लो इनसे रूपा देवी के बारे में। आप है ना मैयत गाड़ी को, मेरा मतलब है एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रख दे, अगर इसको कुछ हो गया तो रूपा देवी हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। रूपा देवी? आपको रूपा देवी याद ही नहीं है? वो तो आज तक आपके प्यार में पागलों कितना भटक रही है। रूपा देवी? हाँ हाँ, एक रूपा देवी थी जिसने मेरी मोहब्बत की खातिर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता था, मैं तो किसी और से प्यार करता था। तो फिर क्या, जिससे मैं प्यार करता था मैंने उससे शादी कर ली, अब तो मैं परदादा हूँ। अरे लेकिन वो तो तुमसे शादी करना चाह रही है। अरे उस वक्त मैंने जवानी में शादी नहीं की उससे, तो बुढ़ापे में शादी करके क्या करूँगा, अब तो यमराज किसी वक्त भी आ सकता है मुझे लेने। ये यमराज कौन है, इनके बेटे? हो सकता है जानू। देखो बाबा जी, एक काम करो, आप रूपा देवी को समझाओ, हो सकता है वो आपकी बात माने और मेरी माँ की जान छोड़ दे यार। अच्छा चलो मैं उसे समझा के देखता हूँ, कहाँ है रूपा? जी जी आप जाइए, वो अंदर आपका इंतजार कर रही है। उस कमरे में। हाँ जल्दी जल्दी जाए यार। महमूद साहब, ये बाबा इस एपिसोड में उस कमरे तक पहुंच जाएगा? अरे जैक्सन के बाबा, अरे आप अपने मोकलों से कौन आके इसको जल्दी अंदर पहुंचाए। इरी बन्नो टीका जो अटका है बालों में, वो हरियाला वो भैया प्यारा। रूपा क्या बदतमीजी है, बुढ़े कौन है तू, तुझे शर्म नहीं आई किसी सुंदर सुशील कन्या कुंवारी के कमरे में इस तरह बगैर इजाजत के आने की? अरे भाई मैं राजा इंदर हूँ। क्या घटिया मजाक है, कहाँ छुपाया है कैमरा बताओ, कहीं रूपा देवी से तुम लोग कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे? अरे मैं ही राजा इंदर हूँ रूपा। नहीं नहीं मैं नहीं मानती, मेरा मन नहीं मानता, तू तो मुझे इंदर का दादा लग रहा है। अरे 50 बरस बीत गए हैं, अब तो मेरे पर पोते पोतियाँ भी जवान हो गए और तुम उसी जमाने में अटकी भी हो। क्या सबूत है तेरे पास कि तू ही राजा इंदर? याद करो तुमने मेरी मंगेतर पार्वती से जलकर उसकी चोटी काट दी थी, फिर जमुना मौसी ने अपनी छड़ी से खूब पीटा था तुम्हें, खूब पीटा था। राजा इंदर कि क्या हाल बना लिया तूने मेरे प्रेम में? ये हाल तेरे प्यार में नहीं हुआ रूपा, ये बुढ़ापे की वजह से हुआ है, लेकिन प्यार तो मैं अब भी अपनी पारों से करता हूँ। यार अल्लाह करे ये राजा और रूपा का मिलन हो और मुझे मेरी माँ मिले यार। ठीक है यार, मेरी फीस तो दे दो, मुझे जापानी का जिन निकालने जाना है, जापान मेरी फ्लाइट है। अरे योंग पोंग के बच्चे, अरे पहले रूपा और राजा का मामला तो ठीक होने दे। हाँ हाँ भाई, उनके फेरे कराने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। यार मैं फेरे कैसे लगवाऊंगा, मेरे को काम ही नहीं है ये। ऐसे मुझे ये बूढ़ा राजा इंदर नहीं चाहिए। लेकिन यही तो है आपके राजा इंदर, आपकी पहली मोहब्बत। किसी जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ के आओ, मैं इससे विवाह नहीं करूँगी। पर डील तो यही हुई थी ना कि राजा लेंगी और आप हमारी माँ की जान छोड़ देंगी। तुम्हारी माँ तुम्हें वापस मिल जाएगी, मगर मेरा मन जहाँ अटका है पहले उससे मेरा विवाह करवाओ। अब किस पर दिल आ गया आपका? इस विशाल मुंह वाले प्राणी, इससे करवाओ मेरा विवाह। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।
चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा।